नोटबंदी के मुद्दे पर संसद में दिए जबरदस्त भाषण में पीएम नरेंद्र मोदी पर जोरदार हमला करने वाले रामगोपाल यादव की अब घर वापसी हो गई है। समाजवादी पार्टी ने रामगोपाल यादव का निलंबन वापस ले लिया है। समाजवादी पार्टी ने बुधवार को एक बयान जारी कर इस फैसले की जानकारी दी। रामगोपाल यादव राज्यसभा में समाजवादी पार्टी के सांसद हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश में सत्तारूढ़ समाजवादी पार्टी में पिछले कुछ महीनों से अंदरूनी जंग चल रही है, जिसमें पूरी पार्टी दो हिस्सों में बंट गई। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव अपने ही पिता मुलायम सिंह यादव और चाचा शिवपाल यादव के खिलाफ हो गए थे और उनका साथ देने वाले रामगोपाल यादव को पिछले महीने 6 साल के लिए पार्टी से सस्पेंड कर दिया गया था। अब पार्टी में वापसी होने के बाद रामगोपाल का कहना है कि नेताजी बड़े दिल के इंसान हैं, नेताजी मेरे खिलाफ कभी नहीं थे, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया था। इस फैसले से पार्टी के सभी लोग खुश हैं, मैं इसके लिए नेताजी को धन्यवाद देता हूं। इसके साथ ही रामगोपाल ने शिवपाल यादव से विवाद के सवाल पर कहा कि शिवपाल मेरे छोटे भाई हैं, छोटे अगर गलती करें तो बड़ों को माफ कर देना चाहिए। आपको बता दें कि पिछले हफ्ते एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पार्टी से बाहर किए जाने के सवाल पर रामगोपाल यादव रो पड़े थे। समाजवादी कुनबे में अब सब कुछ ठीक होता नजर आ रहा है। सभी मतभेदों को भुलाकर मुलायम सिंह यादव का यह एक बड़ा फैसला है। पार्टी में रामगोपाल की वापसी कर सपा प्रमुख ने दो हिस्सों में बंटी पार्टी को संभालने की कोशिश की है। देखते रहिए डीबी लाइव।